हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं दीक्षा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पे। तो हमारी चल रही थी रिवीजन क्लास, जिसमें आज हमारी है फोर्थ नंबर की क्लास। तीन क्लास हमारी हो चुकी है, आज आपकी है फोर्थ नंबर की क्लास, जिसमें हमारे चल रहे थे हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, हिस्ट्री के आपके चल रहे थे PYQ। ठीक है, SSC के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है आपके। सभी SSC में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी के लिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो देखेंगे कि जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं, तब उसमें क्या था वैदिक काल में, कि जो समाज था वो काम के आधार पर विभाजित था, कर्म के आधार पर। किस तरीके से? फिर से, कर्म के आधार पर। किस तरीके से? कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। क्या ये वर्तमान में ये व्यवस्था है? नहीं, उत्तर वैदिक काल से ही क्या हो गया था, वंश के अनुसार लोगों को जाने लग गए थे। ठीक है, तो पहले जाना जाता था किस रूप में, वर्ण के रूप में। वो वर्ण कौन कौन से होते थे? वो वर्ण होते थे चार वर्ण, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यही आपको दिए गए हैं, तो उनमें आपको बताना है कि इनका कर्म, ये वाला कर्म करने वाला कौन है। क्या पूछा है कि कौन सा वर्ण धर्म सूत्रों धर्म शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने, इतना आप पढ़िए केवल, लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। वो कौन होगा इनमें से, वो कौन होगा इनमें से प्यारे बच्चों? आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्षत्रिय होगा। क्या होगा? क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय। देखिए, पूरे जो काम है वो जानिए, जो ब्राह्मण होते थे, जो फर्स्ट नंबर पर आएंगे, जो ब्राह्मण होते थे, उनका क्या काम क्या होता था? ज्ञान बांटना, ज्ञान देना, है ना, या जो काम होते थे ब्राह्मण वाले, शिक्षा देना, वो कर्म इनका ये होता था। तो वो क्या हो गए? ब्राह्मण। फिर सेकंड नंबर पर किसे रखा गया? क्षत्रियो को रखा गया। क्षत्रियो का काम क्या होगा? लोगों की रक्षा करना। क्या होगा दूसरा काम इनका? लोगों की रक्षा करना। क्लियर है? ठीक है, थर्ड नंबर पर हमने किसको रखा? थर्ड नंबर पर किसको रखा? वैश्य को रखा। वैश्य, वैश्य का अर्थ क्या होगा? वैश्य का अर्थ वो होगा यानी कि जो व्यापार करता हो। सिंपल सा अर्थ है, वैश्य का अर्थ क्या होगा? जो व्यापार करता हो। क्लियर? फोर्थ नंबर पर प्यारे बच्चों किसको रखा? शूद्र को। शूद्र को अब इस टाइम पर क्या माना जाता है? सबसे नीचे के उसमें माना जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये क्या करते थे, ये दोस्तों सेवा करते थे। क्या करते थे? सेवा किया करते थे। इस कारण से क्या इन्हें हम अब नीचा मानते हैं, लोग मानते हैं ना। तो ये क्या हो गए आपके? चार वर्ण हो गए। मैंने आपको कर्म बता दिए कि इनके क्या क्या जो है कर्म थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिएगा, पढ़िए मेरे साथ। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो बताइएगा, संगीत से संबंधित वेद हमारे कितने हैं? चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, सबकी अलग अलग काम है कि किसमें क्या लिखा है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। बताएंगे कि संगीत में संबंधित क्या है, बताएंगे संगीत से कौन सा संबंधित है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। जो मंत्र वगैरह होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? ऋग्वेद में आ जाते हैं। सामवेद में क्या आ जाता है आपके प्यारे बच्चों? सामवेद में आता है आपका संगीत। सामवेद में क्या आता है आपका? संगीत आता है। ठीक है, इसमें संगीत आता है। संगीत से संबंधित कौन सा वेद होगा? तो आप क्या कहेंगे? सामवेद होगा। ठीक है,
वहीं यजुर्वेद यज्ञ संबंधी जो जानकारी होगी या यज्ञ संबंधी जो जानकारी मिलती है वो हमें काय से मिलती है, यजुर्वेद से मिलती है। साथ ही अथर्ववेद को और जान लीजिए, जो जादू टोना की आपने सुना होगा, काला ब्लैक मैजिक वगैरह जो होता है, तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं, वो सभी की जानकारी हमें किसमें पढ़ने को मिलती है, अथर्ववेद में पढ़ने को मिलती है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? सबसे पुराना वेद, वेद हमें पता है चार वेद है, किसमें क्या है ये हमें मालूम है, जो सबसे पुराना वेद है आपको उसको बताना है। बताएंगे एमटीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। याद करेंगे सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है, जिसमें जिसमें 10,600 श्लोक है, 10,600 क्या है श्लोक है, और 1028 क्या है सूक्त है, 1028 क्या है इसमें सूक्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? बताएंगे, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2008, 2005, 2009 या 2007 में? कब शामिल किया गया था? 2007 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी? हमारे जो विष्णु भगवान हैं उन्होंने कितने अवतार लिए? 10 अवतार लिए। कितने अवतार लिए? 10 अवतार लिए। मालूम है सबको 10 अवतार लिए। उसमें से बताएंगे कि पृथ्वी को बचाने के लिए वो रूप धरा इन्होंने और वह पानी में डूब गई। वह कौन थी? एक शेर था, एक वराह का रूप या एक बाघ का, एक हाथी का। किसका रूप? एक वराह का। ठीक है, एक वराह का रूप धारण किया था। और ये इनका कौन सा रूप था? थर्ड नंबर का रूप। ठीक है, थर्ड नंबर का अवतार। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के चार लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन इन लक्ष्यों में से नहीं है? क्या है? समाज के साथ उसका संबंध जीवन के चार लक्ष्यों, यानी कि चार चार जो गोल है, लक्ष्य है उसके, उससे निर्धारित होता है। ठीक है, अब वो चार लक्ष्य कौन कौन से हैं या इनमें से मतलब कौन सा नहीं है? ठीक है, ये आपका सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, सीजीएल में पूछा गया है आपके सिद्धि, अर्थ, मोक्ष या फिर धर्म। सिद्धि, मोक्ष, अर्थ या धर्म। हमें तो सुनने में ही अटपटा लग रहा है, हमने तो ये सुना होगा ना, आपने सुना होगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये क्या है? चार। ठीक है, उनमें से क्या नहीं है? सिद्धि जो है नहीं है। सिद्धि की जगह क्या आ जाएगा? काम आपका आ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। रामायण के अनुसार खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान का नाम रत्नाकर का मतलब मिसप्रिंट है। रामायण के अनुसार किसका नाम रत्नाकर था? दूसरा, सेकंड नाम विश्वामित्र का, गौतम का, दुर्भाषा क्या, वाल्मीकि का। किसका था? वाल्मीकि का। दूसरा नाम क्या था? रत्नाकर। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन जो हम छोड़ देते हैं, ये आप जरूर से पढ़ा कीजिए। ठीक है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ ये प्रश्न है। ठीक, आगे देखेंगे। वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह कहलाते हैं?
जो वैदिक मंत्र होते हैं या भजन होते हैं उनका मुख्य जब संग्रह किया जाता है वो क्या कहलाएंगे? सीजीएल का ये क्वेश्चन है, बताएंगे सूत्र कहलाएंगे पद संहिता या मुख, तो वो क्या कहलाएंगे? वो संहिता कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? संहिता कहलाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? पुरुष सूक्त किसका है? CHSL का क्वेश्चन है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या सामवेद? किसका है? ऋग्वेद का है। किसका है? ऋग्वेद का है। ठीक, आगे चलते हैं। राजकीय प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? आपका सत्यमेव जयते क्या अर्थ होता है? सत्य की हमेशा जीत होती है। ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय शब्द है जो कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है, जो कि अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, तो बताएंगे वह वर्ड कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? ये आपके SSC ने CHSL के एग्जाम में पूछा था 2020 में, कथा, प्रश्न, केन या मुंडक। तो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये मुंडक उपनिषद किसका भाग है? यह किस वेद का है? अथर्ववेद का है। किसका है? अथर्ववेद का भाग है। अथर्ववेद का ही क्या है? भाग है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे देखें, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है। CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 में पूछा हुआ। ब्रह्मांड का स्वामी, भूमि का स्वामी, प्रजा का स्वामी या मवेशियों का स्वामी? तो जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल, तब हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, तब हम इसमें पढ़ते हैं गोपति। तो गोपति, राजा को गोपति कहा जाता था, यानी कि मवेशियों का स्वामी। क्या कहेंगे? मवेशियों का स्वामी। मवेशी, मवेशी, मवेशी का अर्थ क्या होगा? गाय या बैल, जिसके पास ज्यादा गाय, जिसके पास ज्यादा बैल होते थे वो क्या होता था? उस समय धनवान होता था, राजा बड़ा होता था। ठीक है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? किसको दर्शाता है? अनुष्ठान को दर्शाता है। बताएंगे व्याकरण, छंद, कल्प या शिक्षा? तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वेदांग जो होते हैं कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी है? वेदांगों की, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 वेदांग है। और वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। वेदों को समझने के लिए ही वेदांगों की रचना की गई थी। वेदों को समझने के लिए ही वेदांगों की रचना की गई थी, ठीक है, जिसमें आपका क्या आ जाता है? कल्प, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिषी, और ज्योतिषी। ठीक है, ये आपके क्या है? 6 आपके वेदांग है। ठीक है, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। आगे देखेंगे, SSC CPO में पूछा गया ये क्वेश्चन आपका, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? वैदिक सिद्धांत के अनुसार पढ़िए, क्षत्रिय या योद्धा शासकों की उत्पत्ति पुरुष की भुजाओं से हुई है, हुई थी, या वैश्य या फिर आम लोगों की उत्पत्ति पुरुष के जांघों से हुई थी, या फिर
ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई थी या फिर शूद्र या श्रमिकों तथा नौकरों की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई थी? कौन सा इनमें से गलत है? तो आंसर इज सी, आंसर इज आपका सी, सी नंबर का। ब्राह्मण या पुजारी की उत्पत्ति पुरुष के मुख से हुई है। कहाँ से हुई है? मुख से हुई है, मुख से हुई है। ठीक है, जो ब्राह्मण होंगे आप तो ऐसे समझिए, पहले आपकी पूरी बॉडी पे मुख से, पुरुष के मुख से जो सबसे ऊंचे, हमने फर्स्ट नंबर पे किसको माना? ब्राह्मण को माना। उसके बाद किसको माना? क्षत्रियो को माना। तो क्षत्रिय, इसके बाद हमारा मुख से नीचे हाथ, हाथ आते हैं भुजा, भुजा आते हैं, तो भुजा से किसकी उत्पत्ति हुई? क्षत्रियों की। थोड़ा नीचे जो जांघ होती है, जांघों से किसकी हुई? वैश्यों की। ठीक है, किसकी हुई? वैश्यों की। फिर सबसे नीचे पैर जो होंगे तो वहां से किसकी हुई? शूद्र या नौकरों की, है ना, जो सेवा करते थे उनकी। ठीक है, चलिएगा आगे देखेंगे। वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने लगे थे। कितने वर्ष की आयु के थे जब उन्होंने घर को छोड़ा था? बताएंगे, घर को छोड़ा जब, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 35 वर्ष, 27 वर्ष, 33 वर्ष या 30 वर्ष? कितने वर्ष के थे ये? इन्होंने अपने बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई नंदीवर्धन, नंदीवर्धन की आज्ञा से, की आज्ञा से गृह त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज के लिए ये निकल पड़े। जब वह कितने साल के थे? 30 साल के थे। जब वे कितने साल के थे? 30 साल के थे। ठीक है, और इनको 12 वर्ष बाद क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तब ये कितने वर्ष की होंगी? 42 वर्ष। इनको कब 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ? कहां पर? जरंभिक ग्राम, जरंभिक ग्राम, जरंभिक ग्राम और ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के तट पर, है ना, और किस साल या बरगद, साल या बरगद वृक्ष के नीचे, साल या बरगद वृक्ष के नीचे। ठीक है, आगे देखिएगा। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया? मोक्ष यानी कि मृत्यु कहाँ हुई? बताएंगे, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, सोनागिरी, श्रवणबेला, पावापुरी या माउंट आबू? तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? पावापुरी, यानी कि आपके बिहार में, बिहार में है ये। ठीक है, नालंदा जिले में, नालंदा जिले के पास है, नालंदा जिले में पावापुरी में, पावापुरी में। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ इनको? मोक्ष, यानी कि हम इस जैन भाषा में क्या बोलेंगे? निर्वाण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? निर्वाण इनको प्राप्त हुआ। और इस पावापुरी को अप्पापुरी भी कहते हैं, अप्पापुरी, अप्पापुरी यानी कि पाप रहित नगरी, पाप रहित, पाप रहित, पाप रहित नगरी भी किसको कहा जाता है? आपकी पावापुरी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निग्रंथ, निग्रंथ, नाटपुत्त के नाम से जाना जाता है, ने नामक धर्म की स्थापना की। यानी कि सीधा सा क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने
किस धर्म की स्थापना की थी? एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर जो है सिंपल होता है। तो बताएंगे पारसी धर्म, जैन धर्म, बहाई धर्म या सिख धर्म, सिंपल सा है। महावीर स्वामी ने किस धर्म का की रचना की, कौन सा धर्म इन्होंने बनाया, स्थापना की, जैन धर्म, ठीक है, किस धर्म की, जैन धर्म की। और ये जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए हैं, टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है, कितने, 24 तीर्थंकर। और 24 भी कौन है, 24 भी कौन है, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। फर्स्ट एक आप याद रखेंगे ऋषभ देव, फर्स्ट कौन है, ऋषभ देव, ठीक है। आगे देखिए, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। जो प्रथम तीर्थंकर हैं जैन धर्म के और चतुर्थ तीर्थंकर हैं, पहले आप नाम जान लीजिए, जो पहले हैं उनका नाम है ऋषभदेव, पहले हैं ऋषभदेव, और आपके फोर्थ नंबर के चतुर्थ जैन तीर्थंकर का नाम है अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ, ठीक है। ये कौन है, इनका जन्म स्थान एक ही है, इनका जन्म स्थान जो है एक ही है। बताएंगे सीएचएसएल में पूछा क्वेश्चन है ये, वाराणसी, द्वारिका, अयोध्या या गया, तो इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, अयोध्या, ठीक है। आगे चलते हैं, जैन दर्शन के अनुसार जैन शब्द का अर्थ है, जैन धर्म में आप बोलते हैं, जैन धर्म में जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र आपने सुना होगा, है ना। तो बताइएगा, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में, बताएंगे भगवान बंधनों से मुक्ति, योग्य या विजेता, तो जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता, ठीक है, जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता। और महावीर स्वामी को इसकी उपाधि है, जीन की उपाधि जो है मिली हुई है, और साथ ही केवलीन की, किसकी, कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना, और जीन की उपाधि भी मिली है, और साथ ही निग्रंथ की उपाधि भी मिली है, निग्रंथ, ठीक है। कैवलिन ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, है ना, विजेता की उपाधि इनको मिली है, और निग्रंथ का मतलब होता है सांसारिक, सांसारिक बंधनों से मुक्त, सांसारिक बंधनों से ठीक है, सांसारिक बंधनों से मुक्त। आगे चलते हैं, भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था, बताएंगे एमटीएस में पूछा गया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार या गुजरात, कहाँ पर हुआ, बिहार में इनका जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ, बिहार में हुआ, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, खालिस्तान एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं, बताएंगे, सीपीओ में पूछा गया ये क्वेश्चन, उत्तराध्यन, आदि पुराण, महापुराण या कल्पसूत्र, तो जानकारी किसमें है, कल्पसूत्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है, एमटीएस में पूछा गया है, मेधी, तोरण, अंडा या छत्र, क्या कहेंगे, मेधी। जैसे हमने
नागर शैली, द्रविड़ शैली, बीसर शैली पढ़ते हैं, ऐसे ही बौद्ध वास्तुकला होती है। ठीक है, इसमें स्तूपी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? मेधी, जिसका अर्थ क्या होता है, एक गोलाकार छत होती है, और तोरण का अर्थ क्या होता है, सजाए गए प्रवेश द्वार के साथ दीवार। अंडा का अर्थ क्या होता है, गोलार्ध का जो टीला होता है वो एक, और छत्र का अर्थ होता है एक केंद्रीय स्तंभ का, एक ट्रिपल छतरी रूप का समर्थन करता है ना, जे इस तरीके वाला। और ठीक है, और हार्मिका एक होती है, एक वर्ग रेलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? एमटीएस में पूछा गया है, केसरिया, धमेक, अमरावती या बरहुत। तो कौन सा? केसरिया। केसरिया ठीक है, कहाँ पर है? बिहार में, बिहार के पश्चिमी चंपारण, चंपारण जिले में। भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप ना केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का बड़ा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सीधी सी बात, जो भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था वह कहाँ किया गया था बताएंगे, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। है ना, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, इनको महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? हार्मिका, गोपुरम, अंडा या छत, ये सब हमने पढ़ लिया है। और जो गोपुरम जो होता है, ये आपके दक्षिण भारत की जो मंदिर होते हैं उनमें ये शैली उनमें देखने को मिलती है, गोपुरम। आगे देखिएगा, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? क्या चैत्य का अर्थ, बुद्ध अवशेष, प्रार्थना हॉल, निवास स्थान। एमटीएस में पूछा गया है, इसका अर्थ होता है प्रार्थना हॉल। क्या होता है? प्रार्थना हॉल। आगे बढ़ते हैं, लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। फटाफट से आंसर दीजिए, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, घर परित्याग या ज्ञान प्राप्ति, निर्धन या फिर पहला उपदेश। तो ये क्या है, पहला उपदेश। किसकी याद में ये है आपका लॉयन कैपिटल का निर्माण, किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति यानी याद में बनवाया गया? पहला उपदेश। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने दिया क्या, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश। 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना, भारत बना एक गणतंत्र, बना गणतंत्र बना। और इसमें क्या, किसको अपनाया गया, किसको अपनाया गया, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया, है ना, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यानी आपके लॉयन कैपिटल, यानी कि उसमें क्या होंगे, चार शेर, जो किसका प्रतीक है,
साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक है। ठीक है, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक है। ठीक है, और ये जो चार शेर हैं, ये जो चार शेर हैं, इनके मतलब अलग अलग तरफ मुंह है। तीन आपको दिखाई देते हैं और एक जो है पीछे की तरफ है। एक जो है क्या है, पीछे की तरफ है। और इसका जो डिजाइन किया, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का जो डिजाइन किया था, डिजाइन किसने किया? दीनानाथ भार्गव ने। दीनानाथ भार्गव ने। ठीक है, ये चार शेर है। शक्ति, साहस, शक्ति, साहस, शक्ति, गर्व, आत्मविश्वास और साहस के चलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बृहत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के सतना में है। मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? सतना में है। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? गौतम बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध का कुशीनारा में निधन हो गया। केवल एक, केवल दूसरा, ना तो एक ना दूसरा, ना फिर दोनों, या फिर दोनों। तो आंसर क्या होगा? दोनों। गौतम बुद्ध जो थे वो कहाँ से थे? शाक्य गण के नाम से जाने वाले एक छोटे से गण से संबंधित थे और एक जो है ये क्षत्रिय थे। ठीक है, कौन थे ये? है एक क्षत्रिय वर्ण से थे, क्षत्रिय वर्ण से। ठीक है, और गौतम बुद्ध का कुशीनारा में निधन हो गया। कुशीनारा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है कुशीनारा। यहाँ पर क्या हुआ था इनको? महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में कहा जाता है कि इसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? यानी कि उस समय राजा कौन था? पोरस था, अशोक, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य? एमटीएस में पूछा गया है ये 2021 में। उस समय कौन था? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बुद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व राजगिरी में, राजगिरी, राजगृह या राजगिरी में हुई थी। ठीक है, प्रथम 483 ईसा पूर्व राजगृह में, और उस समय राजा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश से? हर्यंक वंश से। ठीक है, हर्यंक वंश से, बिंबिसार का पुत्र। ठीक है, सेकंड कब हुई? 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई, और उस समय राजा कौन था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक। और थर्ड कब हुई? 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, और किस समय? अशोक के टाइम पर हुई थी, अशोक के टाइम पर। ठीक है, चतुर्थ में यहां लिख रही हूँ। चतुर्थ आपकी कब हुई थी? प्रथम सदी में हुई थी, ईसा की प्रथम सदी में, और ये हुई थी आपकी कुंडलवन, कुंडलवन यानी कि आपका जम्मू कश्मीर। किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय, कनिष्क के समय ये आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। क्लियर है? चलिएगा, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। चैत्यगिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, बताएंगे कौन सा?
एमटीएस पे पूछा गया है, ठीक है। जैन, सिख या हिंदू या बौद्ध, कौन सा त्योहार ये है? एक बौद्ध त्योहार है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस हम देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहां से, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी जी, जरूर से बताइएगा कमेंट में, और साथ ही जो समझ में नहीं आया हो, डाउट रह गया हो, वो आप पूछ सकते हैं ना। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।